तेरे पास नहीं, कदूला फासिल कर दिया वो लखब तेरे पास नहीं, हक तो ये है कि मुफ्ती आजम हिंद का दिया हुआ लखब तेरे पास नहीं। महान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जो बरेली पैदा हो जाएगा वो बरेली के करीब हो जाएगा। पैदा होने से क्या होता है, अबू जहल का घर तो रसूल के घर के बगल में, कितना दूर था नबी से। वैसे करनी का मकसद उस घर यमन में था, कितने दूर मकान दूर, वो ऐसे करनी करीब, अबू जहल का मकान करीब, अबू जहल बहुत दूर। या इमाम अहमद रजा शहर से नहीं, यूपी से नहीं, ना अहमद रजा किसी शहरी का एक नागरिक का नाम नहीं, अहमद रजा एहतराम रसूल और इसके अहले बैत का नाम है। क्या जानू अहमद रजा को, सब दुनिया में सबसे मुश्किल है अहमद रजा का वफादार हो। देखो इसकी लड़ाई है ना, ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है, सिर्फ 3 साल मुझसे बड़े बड़े, हम कहाँ खड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं। बाबू अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, पहले बैठ के पंगा लोगे तो न देखने लायक रहोगे, न बोलने लायक रहोगे, न सुनने लायक। अहले बैत के पंगा ले लिया, यजीद कहाँ पहुंच गया, पंगा अहले बैत के लिया कहाँ पहुंच गया। बैकग्राउंड कमजोर नहीं है, यजीद कमजोर है। बैकग्राउंड में तो उसका बाप अबूजुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीर शाम, फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफे सहाबी रसूल, अपने बाप सहाबी, दादा सहाबी, दादी सहाबी, ताया सहाबी, अब तो उम्मुल मोमिनीन, इतना बड़ा बैकग्राउंड है। लेकिन जब आदमी खराब होता है तो बैकग्राउंड काम नहीं आता।